Hello students, this is our lecture number 5 of motion in a straight line, and in today's lecture we'll discuss first position time graph for non-uniform motion, second velocity time graph for different types of motion, and in third part we'll derive the three kinematic equations of motion. Okay, let's see. Now before starting this topic, you must know that there is a difference between uniform motion and uniformly accelerated motion. यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है, दैट इज वी इज कांस्टेंट, बट इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन द वेलोसिटी विल बी चेंज्ड, ठीक है, एंड इट विल बी चेंजिंग कंटिन्यूअसली विद टाइम. दिस मीन्स दैट अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन है तो उसका मोशन हमेशा नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा. ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है. इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन, जहां हमने देखा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन. ठीक है, कुछ ऐसे है ना, वो यहां से स्टार्ट हो सकता है या यहां से स्टार्ट हो सकता है या फिर यहां से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, है ना. दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन, है ना, जहां पर उसकी वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट. क्लियर है. अब अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका ग्राफ कैसा होगा. तो देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो उसका ग्राफ बस स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, बाकी उसका शेप कैसा भी हो सकता है. ठीक है, क्लियर है. यानी जब कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो उसके ग्राफ का, पोजीशन टाइम ग्राफ का कोई फिक्स शेप नहीं होता है. ठीक है, वो कैसा भी हो सकता है, बस स्ट्रेट लाइन नहीं होगा. सिमिलरली अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो उसका ग्राफ कैसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा यू. ठीक है, दिस शेप इज कॉल्ड पैराबोलिक शेप. ठीक है, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन शो करता है तो उसका जो ग्राफ है उसका शेप कैसा होता है, पैराबोलिक शेप. ठीक है, क्लियर है. तो ये हो गया आपका पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ये और ये दोनों ही कैसे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहे हैं, जबकि ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन. यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहां और यहां वेलोसिटी लगातार चेंज होती जाएगी. ठीक है, क्लियर है. तो ये थे आपके पोजीशन टाइम ग्राफ. नाउ लेट्स डिस्कस द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, सबसे पहला है रेस्ट. ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो कैसा होगा. तो देखिए, उसके पास वेलोसिटी है ही नहीं क्योंकि वो रेस्ट पर है. रेस्ट पर है मतलब टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे वेलोसिटी क्या है, जीरो. वन सेकंड बाद भी वेलोसिटी क्या है, जीरो. टू सेकंड बाद भी वेलोसिटी क्या है, जीरो. ठीक है, तो जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आएगा. ठीक है, तो इट विल लाई ऑन टाइम एक्सिस, किसके ऊपर आएगा, टाइम एक्सिस के ऊपर. ठीक है, क्लियर है. तो ये है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. ठीक है, सेकेंड केस, एन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म मोशन. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आएगा. ठीक है, तो सपोज कीजिए ये पेड़ है हमारा और यहां से कोई 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लगातार इधर जा रहा है. ठीक है, तो v इसकी हो गया 2 मीटर पर सेकेंड. क्लियर है, विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड, या हम कह सकते हैं वेलोसिटी. तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आएगा, तो देखिए, अब टाइम t इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये वेलोसिटी है, ये हमारा टाइम एक्सिस है. ठीक है, क्लियर. तो अभी उसकी वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड. 1 सेकेंड बाद भी वेलोसिटी कितनी रहेगी, 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है जिसमें वेलोसिटी बदलती नहीं है. ठीक है, तो 1 सेकेंड बाद भी वेलोसिटी कितनी रहेगी, 2 मीटर पर सेकेंड. 2 सेकेंड बाद भी वेलोसिटी कितनी रहेगी, 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, सभी पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, क्या आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, किसके पैरेलल आएगा, टाइम एक्सिस के. ठीक है, नाउ सपोज एन ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, विद वेलोसिटी वी, तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. ठीक है,
तो मान लीजिए कि उसकी वेलोसिटी है वी है, ठीक है, यानी स्पीड कितनी है, वी है, स्पीड और वेलोसिटी यहां पर सेम है ना, क्लियर है, और ये है हमारा टाइम एक्सेस। अब मान लीजिए कि किसी टाइम टी वन पर वो यहां पर था, ठीक है, और ये है टाइम टी टू, है ना, लेट दिस पॉइंट बी ए, ये मान लेते हैं बी, ठीक है, तो जब वो ए पॉइंट पर था यानी टी वन टाइम पर उसकी स्पीड कितनी थी, वी, बी पर भी उसकी स्पीड कितनी है, वी, इन दोनों पॉइंट को नाम दे दीजिए सी एंड डी, ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये टी वन से टी टू का जो टाइम इंटरवल है यहां तक का, इसको हम कुछ मान लेते हैं टी, क्लियर हो गया, ठीक है, तो अगर आप यहां से यहां के बीच में टी वन और टी टू के बीच में वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालें, ठीक है, तो एरिया ऑफ वी टी ग्राफ, ठीक है, एरिया ऑफ वी टी ग्राफ बिटवीन टाइम इंटरवल टी वन एंड टी टू, ठीक है, टी वन और टी टू के बीच में अगर हम एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालें तो वो कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ, क्या होगा, देखिए टी वन और टी टू के बीच में एरिया कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी इंटू बी सी, ठीक है, एंड ए बी कितना है, ए से बी देखिए कितना है, टी, इंटू बी से सी कितना है, देखिए ये हाइट कितनी है, वी के बराबर, यानी ये भी क्या है, वी, ठीक है, क्लियर है, तो ये हो जाएगा वी। तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिटवीन एनी टू टाइम इंटरवल विल बी इक्वल्स टू द डिस्टेंस, और इट विल गिव अस द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू टाइम इंटरवल्स, ठीक है, क्लियर हो गया, कि जब आप किसी दो टाइम इंटरवल के बीच में वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो आपको उन दोनों टाइम इंटरवल के बीच का डिस्टेंस मिलता है, ठीक है। इसी ग्राफ से आप डिस्प्लेसमेंट भी पता कर सकते हैं, वो कैसे हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे, क्लियर है, ठीक है, तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ विल गिव अस डिस्टेंस। नेक्स्ट इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, तो कंसिडर करिए ये अगेन दिस इज आवर ट्री, ठीक है, यहां से कोई दौड़ के लगातार इधर जा रहा है, ठीक है, इंक्रीजिंग इट्स स्पीड, है ना, लगातार अपनी स्पीड बढ़ाई जा रहा है, तो मान लीजिए वन सेकेंड बाद यहां टाइम टी इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी वी वन इक्वल टू था जीरो, ठीक है, टी वन है ना, टी इक्वल टू वन सेकेंड बाद वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ये हो गया आपका वेलोसिटी का एक्सेस और ये हो जाएगा आपका टाइम एक्सेस, ठीक है, टी, और ये हो गया वी, है ना। अब वेलोसिटी जीरो पर वेलोसिटी क्या थी, जीरो, ठीक है, वन सेकेंड बाद वेलोसिटी कितनी है, तो वो है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्लियर हुआ, ये 2 टाइम इन सेकेंड्स है और वेलोसिटी यहां है इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यहां जीरो पे जीरो, 1 सेकेंड बाद कितनी हो गई 2 सेकेंड बाद कितना हो गया 4, ठीक है, तो ये ग्राफ कैसा जाएगा, अगेन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर भी हमें कैसा मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, लेकिन इस बार वो टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं है, कैसा है, इंक्लाइंड है, मतलब द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज मेकिंग सम एंगल विद द टाइम एक्सिस, ठीक है, क्लियर है। तो फॉर अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट टाइम एक्सिस, ठीक है, टाइम एक्सिस के साथ इंक्लाइंड होगी, यानी कुछ एंगल बना रही होगी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन शो कर रहा है, ठीक है, तो ये इसका वेलोसिटी और ये इसका टाइम एक्सिस है, ठीक है, क्लियर हो गया। मान लीजिए टाइम टी इक्वल टू जीरो पर उसकी वेलोसिटी थी जीरो, यानी ये ग्राफ ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन, क्लियर हो गया। टी टाइम पर, यहां तक टाइम टी है, ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी है वो लेट से कितनी हो गई, वी, है ना, यहां से तो इसको जोड़ दीजिए, ये आपका आ गया वी, ठीक है, टी टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, वी, ठीक है, क्लियर हो। लेट से दिस इज ओ पॉइंट, ये ए मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं, ठीक है, और इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, क्लियर हो गया। अब जरा देखिए, अगर आप इसका स्लोप निकालते हैं, स्लोप स्लोप इक्वल टू क्या आता है, टेन थीटा, ठीक है,
और टेन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अपोजिट अपॉन बेस। अपोजिट कितना है ए बी, अपॉन बेस कितना है ओ ए। ठीक है, नाउ व्हाट इज ओ ए बी, ए बी कितना है, ए से बी कितना है, देखिए वी, तो ये कितना है पूरा डिस्टेंस वी, और ओ से ए कितना है टी, यानी ये हो गया टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए बी, ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा वी बाय ओ से ए कितना हो जाएगा टी। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी अपॉन टाइम आपको क्या देता है एक्सेलरेशन। ठीक है, क्लियर है। तो अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो आपको क्या मिलेगा एक्सेलरेशन मिलेगा। क्लियर है, इसका मतलब यह हुआ कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिटवीन एनी टू टाइम इंटरवल्स विल गिव द एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन दोज टू टाइम इंटरवल्स। ठीक है, क्लियर है। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है एक्सेलरेशन देता है ना। तो चलिए ये हो गया आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। Now let's see some more examples. Do these graph represents uniformly accelerated motion? क्या ये uniformly accelerated motion show करते हैं? ये दो example दे रखे हैं आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं example number one. ठीक, तो यहां पर आप first part में देख सकते हैं कि जो graph है वो कैसा है, straight line है। ठीक है, दूसरा वो time axis के साथ कुछ angle बना रहे हैं। ठीक है, clear है। तो जब graph straight line होता है और time axis के साथ कुछ angle बनाता है यानी inclined होता है तो वो हमेशा ही uniformly accelerated motion show करता है। ठीक है, क्लियर है, यानी यस दिस इज अ ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो इस ग्राफ में और पिछले वाले ग्राफ में क्या डिफरेंस है, देखिए पिछला ग्राफ हमारा स्टार्ट हो रहा था यहां से ओरिजिन से। ठीक है, क्लियर है, यानी टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पर उस केस में वेलोसिटी क्या थी जीरो, जबकि यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, यानी टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि द ऑब्जेक्ट इज हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी, उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड की। ठीक है, और उसके बाद वो लगातार अपनी वेलोसिटी बढ़ाते जा रहा है इक्वली। ठीक है, क्लियर है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। लेट्स सी द सेकेंड पार्ट। तो देखिए यहां पर भी ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि यहां पर भी देखिए ग्राफ कैसा है स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, साथ ही वो टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल भी बना रहा है। ठीक है, तो ये भी एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है, लेकिन यहां पर जो ग्राफ है उसका आप स्लोप देख सकते हैं कि कैसा है नेगेटिव, नीचे आ रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोप मतलब क्या होता है नेगेटिव स्लोप, यहां पर ग्राफ कैसा जा रहा था ऊपर, यानी इसका स्लोप जो है इस केस में स्लोप कैसा था, स्लोप वॉज इज पॉजिटिव। ठीक है, जबकि इस केस में आप देख रहे हैं कि ग्राफ कहां आ रहा है नीचे आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, तो यहां पर स्लोप इज नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या हुआ कि यहां वेलोसिटी जो है वो लगातार कम होती जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं टाइम टी इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जबकि टाइम टी इक्वल टू 5 सेकेंड बाद वेलोसिटी कितनी हो गई जीरो हो गई। ठीक है, तो 10 से कितना हो गया जीरो। ठीक है, क्लियर है, इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो ऐसे मोशन को जिसमें वेलोसिटी डिक्रीज होती है और कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग मोशन। ठीक है, क्लियर है, तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग मोशन, है ना। इस केस में आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी जीरो कब है, तो जहां ये ग्राफ टाइम एक्सिस को टच कर रहा है वहां वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो, और ये कहां टच कर रहा है 5 सेकेंड पर। ठीक है, यानी वेलोसिटी जो है 5 सेकेंड बाद कितनी हो गई जीरो हो गई। ठीक है, क्लियर है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, है ना। लेट्स सी सम एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ ग्राफ। फर्स्ट एग्जांपल इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन बाय द कर्व ओ ए बी सी डी, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन टाइम टी इक्वल्स टू जीरो टू टी इक्वल्स टू 18 सेकेंड्स, सेकेंड टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स टू टी इक्वल्स टू 12 सेकेंड्स, एंड थर्ड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। ठीक है, क्लियर है, तो हमें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। अब आपको इसमें पता करना है, पहला पता करना है कि इस 0 से 18 सेकेंड के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, फिर 2 सेकेंड से लेके 12 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और इस पूरी जर्नी में जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम कौन से टाइम इंटरवल में है। ठीक है, क्लियर है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सॉल्यूशन एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। अब जरा देखिए आपको क्या पता करना है डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होता है एरिया ऑफ वीटी ग्राफ,
यानी आपको डिटरमाइन करना है इस पूरे ग्राफ का एरिया, क्योंकि हमें 0 से 18 तक का डिस्टेंस पता करना है ना। तो 0 से 18 के बीच में जितना भी कर्व आ रहा है उस पूरे का एरिया डिटरमाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टाइम टी इक्वल्स टू 0 टू टी इक्वल्स टू 18 सेकेंड, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया अंडर ओ ए बी सी डी, ठीक है। ओ ए बी सी डी के अंदर जितना भी एरिया आता है वो सारा का सारा उसका एरिया क्या देगा, हमें डिस्टेंस देगा, बिटवीन टाइम टी इक्वल्स टू 0 टू 18 सेकेंड्स, ठीक है। नो एरिया अंडर ओ ए बी सी डी क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया अंडर, डायरेक्ट लिख रहा हूं, ओ ए प्लस एरिया अंडर ए बी प्लस एरिया अंडर बी सी प्लस एरिया अंडर सी डी, ठीक है, क्लियर है। अब जरा देखिए ओ से ए के अंडर कैसा एरिया है, तो ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए पी, और ओ ए पी का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस। अब बेस कितना है, देखिए ओ पी इंटू हाइट, हाइट कितना है पी ए, ठीक है, प्लस एरिया अंडर ए बी, ए बी के अंदर जो ग्राफ है वो कैसा बन रहा है, देखिए तो वो बना रहा है शेप क्या बना रहा है, ट्रेपीजियम ऐसा बन रहा है ये, ठीक है। और ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, तो इट इज इक्वल्स टू होता है हाफ ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ ऑफ, अब सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड क्या है, एपी प्लस बी क्यू, तो ये हो जाएगा एपी प्लस बी क्यू, ठीक है, प्लस सॉरी इंटू हाइट, हाइट क्या है पी से क्यू, पी क्यू, ठीक है, क्लियर है, प्लस यहां साइड में लिख लीजिए एरिया अंडर बीसी, बीसी के अंदर देखो कैसा एरिया बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, बी सी क्यू आर क्यू रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो होता है लेंथ इंटू ब्रेड, दैट इज क्यू आर इंटू आर सी, ठीक है, प्लस अगेन एरिया अंडर सी डी, सी डी का एरिया क्या है, तो वो हो गया हाफ इंटू, सी डी के अंदर कैसा एरिया अगेन क्या बन रहा है, ट्राइंगल, तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस दैट इज आर डी इंटू हाइट दैट इज आर सी, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करिए, तो देखिए सबसे पहले क्या है, हाफ इंटू व्हाट इज ओपी, ओ से पी कितना है, देखिए 8 इंटू पी ए कितना है 20 प्लस हाफ इंटू व्हाट इज एपी, ए से पी कितना है, देखिए 20 प्लस बी क्यू कितना है, देखिए 10 इंटू पी क्यू व्हाट इज पी क्यू 8 से 10 यानी कितना हो गया ये 2, ठीक है, प्लस नेक्स्ट इज क्यू आर इंटू आर सी व्हाट इज क्यू आर, क्यू से आर कितना है, देखिए 10 से कितना हो रहा है 14, तो कितने का डिफरेंस आया 4 का इंटू आर सी, आर से सी यानी 10, ठीक है, क्लियर हो गया। एंड लास्ट प्लस हाफ इंटू नेक्स्ट क्या है आर डी इंटू आर सी व्हाट इज आर डी, 14 से लेके कितना है 18, तो कितने का डिफरेंस है 4 का, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, इंटू आर सी यानी 10, ठीक है, क्लियर है। नाउ लेट्स सॉल्व दिस, देखिए ये हो जाएगा आपका 2 1 जा, ये 2 10 जा, ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 80 प्लस, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, 20 प्लस 10 कितना होता है 30 प्लस 4 10 जा 40 प्लस, देखिए ये 2 1 जा एंड 2 2 जा, 2 10 जा 20, तो ये हो गया 20, ठीक है, क्लियर है। नाउ सॉल्विंग दिस यू विल गेट 170 मीटर, ठीक है, क्लियर है। तो 0 से लेके 18 सेकेंड के बीच में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 170 मीटर, क्लियर हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट, यू हैव टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन 2 सेकेंड टू 12 सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड से लेके 12 सेकेंड के बीच का डिस्टेंस आपको पता करना है, ठीक है, यानी ये ग्राफ यहां से लेके यहां तक का एरिया, ठीक है, क्लियर है, यहां तक। तो एरिया बिटवीन 2 सेकेंड टू 12 सेकेंड कितना हो गया, देखिए एरिया बिटवीन 2 टू 8, 8 टू 10, 10 टू 12, ठीक है,
अब जरा देखिए 2 से 8 के बीच में एक ग्राफ कैसा बन रहा है, कैसा शेप दिखा रहा है, ट्रेपीजियम, ठीक है। और ट्रेपीजियम का एरिया क्या बताया था, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब ये पैरेलल साइड एक ये है और एक ये है, ठीक है, क्लियर है। ये कितना है 5 प्लस ये कितना है 20, ठीक है। तो ये हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। अब हाइट कितना देखिए 2 से 8 कितना हो गया 6, ठीक है, क्लियर है। प्लस अब एरिया बिटवीन 8 to 10, 8 से 10 के बीच में एरिया कैसा है, अगेन देखिए ट्रेपीजियम बन रहा है ये वाला, ठीक है, पी ए बी क्यू ट्रेपीजियम बन रहा है। और पी ए बी क्यू ट्रेपीजियम का एरिया क्या होगा, अगेन हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या है, एपी एंड बी क्यू। एपी कितना है 20 प्लस बी क्यू कितना है 10, ठीक है, इंटू हाइट कितनी है, तो 8 से 10 के बीच में कितना हो जाएगा 2 सेकेंड्स का डिफरेंस, क्लियर है। प्लस अब एरिया बिटवीन 10 to 12 सेकेंड्स, 10 से 12 के बीच में देखिए क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां लेंथ कितनी है देखिए, 10 से 12 कितना है 2, इंटू ब्रेथ ये कितना है 10, ठीक है, क्लियर है। तो ये आ गया आपका एरिया, ये हो जाएगा 2 3 जा, ठीक है। तो ये देखिए 5 प्लस 20 कितना हुआ 25 3 जा 75, ठीक है। यहां ये 2 से 2 कैंसिल, तो 20 प्लस 10 हो गया 30 प्लस 2 इंटू 10 20, ठीक है, क्लियर है। दिस विल बी इक्वल टू 125 meters, ठीक है। तो एरिया बिटवीन 2 सेकेंड टू 12 सेकेंड कितना कवर किया गया, 125 meters, ठीक है, क्लियर है। नाउ द थर्ड पार्ट इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन बिटवीन विच टाइम इंटरवल, ठीक है, कि कौन से टाइम इंटरवल के बीच में जो एक्सेलरेशन था वो मैक्सिमम था। तो चलिए देखते हैं, आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। तो थर्ड पार्ट इज एक्सेलरेशन पता करना है कि सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन कौन से टाइम इंटरवल में था, ठीक है। अब देखिए एक्सेलरेशन पता करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप। तो स्लोप निकालने के लिए आप हर एक पॉइंट का सबसे पहले कोऑर्डिनेट डिसाइड कर दीजिए। इसके कोऑर्डिनेट, ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 and 0, ठीक है। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए 8 and 20, ठीक है। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है, तो देखिए 10 and 10, ठीक है। सिमिलरली पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या है, 14 and 10, ठीक है। एंड पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो वो हो जाएगा आपका 18 and 0, ठीक है, क्लियर है। नाउ लेट्स सी स्लोप ऑफ दिस ओ ए ग्राफ। स्लोप, अच्छा स्लोप क्या होता है, वो होता है y2 - y1 / x2 - x1, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहला स्लोप ऑफ ओ ए, ओ से ए का स्लोप निकालते हैं। तो O से A का स्लोप क्या हो जाएगा, y2 - y1। अब y2 कितना है 20, y1 कितना है 0, तो ये हो जाएगा 20 - 0 डिवाइडेड बाय x2 - x1, x2 कितना है 8, x1 कितना है 0, ठीक है। तो हो जाएगा 8 - 0, दैट इज 20/8 विच इज इक्वल टू 2.5 meters per second, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्लोप ऑफ, अब कौन सी लाइन है, AB, AB लाइन का स्लोप निकालते हैं। तो AB लाइन का स्लोप अगेन क्या हो जाएगा, y2 - y1, यानी हो जाएगा 10 - 20 डिवाइडेड बाय x2 - x1, 10 - 8 है ना, तो हो जाएगा 10 - 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा -10/2 विच इज इक्वल टू -5 meters per second, ठीक है, क्लियर है। देन थर्ड लाइन इज BC, बी से सी के बीच में निकालते हैं स्लोप। तो स्लोप ऑफ बीसी लाइन इज इक्वल टू क्या होगा, अच्छा ये हर एक जगह पे जो हम स्लोप निकाल रहे हैं ये हमें क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हर जगह पे क्या दे रहा है, ये एक्सेलरेशन, फर्स्ट ये सेकंड थर्ड स्लोप हम निकाल रहे हैं बिटवीन बी टू सी, बी टू सी के बीच में स्लोप निकालते हैं। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, y2 - y1 दैट इज 10 - 10 डिवाइडेड बाय x2 - x1, 14 - 10, 14 - 10, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है। कितना आया ये 0, यानी स्लोप क्या हो गया 0, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया ये 3, थर्ड केस में एक्सेलरेशन क्या हो गया 0, ठीक है। एंड द लास्ट लाइन इज CD, तो स्लोप ऑफ CD, CD का स्लोप निकालते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, अगेन
y2 minus y1 that is 0 minus 10 by x2 minus x1 18 minus 14. ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 10 बाय 4, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका फोर्थ एक्सेलरेशन a4। अब जरा देखिए इन सब में सबसे ज्यादा वैल्यू एक्सेलरेशन की कितनी है, माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैग्नीट्यूड की बात है। तो सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड कब है, कितना है, माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। कौन सी लाइन के लिए है, ए से बी के लिए। अब ए बी लाइन कौन से टाइम इंटरवल के बीच में आती है, 8 से 10। ठीक है, सो द एक्सेलरेशन वॉज मैक्सिमम बिटवीन टाइम इंटरवल 8 to 10 सेकेंड्स। क्लियर है, ठीक है। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज एग्जाम्पल फर्स्ट, है ना। लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल अलोंग मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज शोन। Calculate the distance covered between time t equals to 0 to 10 seconds. Also find the displacement in the part time 0 to 10 seconds. ठीक है, तो यहां आपको अगेन एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, आपको इसमें पता करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बिटवीन टाइम t equals to 0 to 10 seconds. ठीक है, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले निकालते हैं डिस्टेंस। तो फर्स्ट पार्ट, नाउ डिस्टेंस, चलिए इसको नाम दे देते हैं पॉइंट ओ ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, क्लियर। तो डिस्टेंस बिटवीन 0 टू टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स टू t equals to 10 seconds क्या होगा, तो it will be equal to area of the velocity time graph, है ना। तो distance हमें मिलेगा जिसके बराबर area of velocity time graph, यानी इस graph का area निकालना है from time 0 to 10 seconds के बीच में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, it will be equal to, अब देखिए एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसी, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पी, बीसीपी, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल पीडीईएफ। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखते हैं एबीसी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, तो इक्वल्स टू होता है हाफ इंटू बेस, बेस कितना है यहां से यहां तक ओ से बी, तो डायरेक्ट लिखेंगे 6 इंटू हाइट। अब देखिए इस ट्राइंगल की हाइट कितनी है, 20, ठीक है, तो हो गया 20, प्लस एरिया ऑफ बीसीपी, बीसीपी ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, देखिए बी से बी कितना है 6 to 8 यानी 2, ठीक है, इंटू हाइट, तो यहां पर हाइट कितनी है, देखिए 20, प्लस ही लेना है मैग्नीट्यूड, जब डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव लेनी है, ठीक है, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं आएगा, है ना। प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल पीडीईएफ, पीडीईएफ क्या होता है, तो वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो यहां देखिए कितना है, 8 से 10 कितना है लेंथ, 2 इंटू ब्रेथ कितना है, देखिए ईएफ, ईएफ कितना है 10, ठीक है, ये 10 है, क्लियर है, तो हो जाएगा 10, है ना। लेट्स सॉल्व इट, ये हो जाएगा देखिए 10, ठीक है, यानी ये हो गया 60, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया प्लस 20, ठीक है, प्लस ये 2 इंटू 10 20, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका 100 मीटर, तो आपका डिस्टेंस हो गया 100 मीटर, ठीक है, क्लियर है। अब निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, देखिए इसी ग्राफ से आप डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी आपको क्या डिटरमाइन करना है, एरिया ही डिटरमाइन करना है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन इसमें एक छोटा सा फर्क है, सेकेंड पार्ट, अब डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स टू 10 सेकेंड्स डिटरमाइन करने के लिए आपको सिंपली जो टाइम एक्सिस के नीचे वाला जो एरिया है
उसे नेगेटिव लेना है और ऊपर वाले को क्या लेना है, पॉजिटिव। ठीक है, यानी ये हो जाएगा इक्वल्स टू एरिया ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, ये टाइम एक्सिस के ऊपर है, माइनस, अब देखो बीसीपी ट्राइंगल कहां है, नीचे बन रहा है, तो माइनस एरिया ट्राइंगल बीसीपी, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देखिए वापस रेक्टेंगल कहां आ रहा है, ऊपर, ठीक है, तो एरिया रेक्टेंगल पी डी ई एफ, ठीक है, क्लियर हो गया, चलिए निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी वापस क्या आएगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 0 to 6, ठीक है, इंटू हाइट कितना है 20, माइनस हाफ इंटू बीसीपी, बेस कितना है, देखिए बीसीपी कितना है 2, इंटू हाइट कितना है 20, ठीक है, क्लियर हो गया, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये हो गया 2 into 10, ठीक है, क्लियर है, ये कितना आएगा, देखिए वापस 10 यानी आ गया 60, माइनस ये हो गया 20, ठीक है, प्लस ये हो गया 20, ठीक है, सॉल्विंग दिस यू विल गेट 60 meters। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0 से 10 सेकेंड्स के बीच में, 60 meters, जबकि डिस्टेंस कितना कवर किया 100 meters, ठीक है, क्लियर है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है क्या, कि जब भी डिस्प्लेसमेंट पूछा गया हो, कहा गया हो कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो टाइम एक्सिस के नीचे जो भी एरिया आ रहा है वो नेगेटिव लेना है और उसके ऊपर वाला एरिया कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, क्लियर है। सो दिस वाज योर एग्जांपल नंबर 2, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल इज अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कॉन्स्टेंट रेट ए फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट रिटार्ड्स एट कॉन्स्टेंट रेट बी टू कम टू रेस्ट। If the total time lapse is t seconds, evaluate the maximum velocity reached and total distance traveled in terms of a and b. ठीक है, तो आपसे कहा गया है कि एक कार है जो यहां से लेफ्ट से स्टार्ट होती है, ठीक है, विद इनिशियल वेलोसिटी 0, है ना, और फिर कुछ टाइम के लिए एक्सेलरेट करती है विद एन एक्सेलरेशन a, ठीक है, तो मान लीजिए यहां से यहां तक एक्सेलरेशन करती है टाइम t1 के लिए, यहां टाइम t1 मान लेते हैं, ठीक है, उसके बाद, अच्छा t1 टाइम के बाद मान लीजिए कि इसकी जो वेलोसिटी है वो हो गई भी, ठीक है, उसके बाद वो रिटार्ड करती है और फाइनली क्या होती है उसका टाइम, रिटार्ड करती है विद एक्सेलरेशन b, यानी रिटार्डेशन उसका होता है b और फाइनल वेलोसिटी v डैश इक्वल्स टू हो जाता है 0, ठीक है, मान लीजिए कि यहां से यहां तक उसने लिया टाइम t2, ठीक है, क्लियर है। अब यहां से यहां तक मतलब 0 से स्टार्ट होकर वापस 0 तक आने के लिए जो टोटल टाइम लगा वो लगा t, ठीक है, तो यू हैव टू डिटरमाइन द रिलेशन फॉर टाइम, सॉरी रिलेशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, क्लियर है, कि जो इस जर्नी के दौरान उसने मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी अटेंड की है और इस टाइम के बीच में उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, ये हमें डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए ग्राफ बनाते हैं, देखिए ये है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस मोशन, ठीक है, तो टी टाइम है जो यहां जा रहा है ना, अब यहां पर ऑब्जेक्ट 0 से स्टार्ट हुआ, ये वेलोसिटी है वी एक्सिस, ठीक है, टाइम एक्सिस है, यहां से मान लीजिए कि उसने यहां तक एक्सेलरेट किया, अब एक्सेलरेट कर रहा है तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इंक्लाइंड एट टाइम एक्सिस, है ना, मान लीजिए कि यहां यू इक्वल्स टू 0 था और फाइनल वेलोसिटी उसकी अटेन हो गई कितनी, v, ठीक है, एक्सेलरेट कर रहा है मतलब लगातार वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है, अच्छा तो 0 से v तक जाने के लिए उसने टाइम कितना लिया, t1, ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो मान लीजिए कि उसके बाद वो वापस रिटार्ड करके यहां आ गया, ठीक है, t2 टाइम होते होते उसकी फाइनल वेलोसिटी वी डैश इक्वल टू क्या आ गया, 0 अगेन, ठीक है, तो यहां से यहां तक का टाइम लगा मान लीजिए t2, ठीक है, अच्छा इसमें एक्सेलरेशन कितना है a और इसमें एक्सेलरेशन कितना है b, ठीक है, चलिए लेट दिस पॉइंट बी 0, सॉरी o a एंड कैपिटल b, ठीक है, क्लियर हो गया, एंड लेट दिस पॉइंट बी c, ठीक है, अच्छा यहां से लेके यहां तक मतलब o से b तक का टाइम कितना है, टोटल टाइम स्मॉल d, ठीक है, तो देखिए हमने इसी सिचुएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया कुछ ऐसे, ठीक है, 0 पर
टाइम टी इक्वल टू जीरो पर स्पीड क्या थी, वेलोसिटी क्या थी, जीरो, ठीक है। टी वन टाइम बाद वेलोसिटी कितनी हो गई, वी, ठीक है। उसके बाद वापस टी टू टाइम बाद वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, ठीक है, क्लियर है। तो ये है टाइम टी वन, ये है टाइम टी टू, मैक्सिमम वेलोसिटी यहां कितनी आ रही है, वी, ठीक है। तो हमारे सबसे पहले केस में हमें यही डिटरमाइन करना है, क्या डिटरमाइन करना है, मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो केस फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डिटरमाइन इज मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो स्लोप ऑफ ऑफ ओ ए, ओ से ए का स्लोप हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन, ठीक है, क्लियर है। और एक्सेलरेशन कितना है इस केस में, ए, है ना। अब स्लोप कैसे निकालते हैं, तो स्लोप हम निकालते हैं बाय टेन थीटा, तो यहां मान लीजिए एंगल थीटा है, ठीक है। तो टेन थीटा यानी एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा, क्लियर है। और टेन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन बेस, तो अपोजिट कितना है, वी, यानी यहां पर ए इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा, और टेन थीटा कितना हो जाएगा, देखिए ए सी बाय ओ सी, ठीक है। नाउ व्हाट इज ए सी, ए सी इज इक्वल टू है वी डिवाइडेड बाय ओसी, कितना है, टी वन, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलता है, देखिए टी वन को इधर भेज दीजिए, ए यहां आ जाएगा, ठीक है, यानी टी वन इक्वल्स टू हो जाएगा वी बाय ए, क्लियर हो गया। ये आ गया हमारा रिलेशन टाइम टी वन के लिए, ठीक है। सेकेंड, अब जरा देखिए स्लोप ऑफ ऑफ ए बी, अगर आप ए से बी का स्लोप निकालते हैं तो वो भी आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो यहां पर एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है बी के बराबर, रिटार्डेशन है हालांकि, तो हम इसकी पॉजिटिव यानी मैग्नीट्यूड लेंगे सिर्फ, ठीक है। नाउ वी इज इक्वल टू अगेन कितना है, टेन थीटा, चलिए मान लीजिए थीटा वन था, ठीक है, इसको थीटा वन मान लीजिए, इसको कुछ और एंगल मान लेते हैं थीटा टू, ठीक है। तो यहां पर स्लोप क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा टू के बराबर, ठीक है। एंड टेन थीटा टू क्या होगा, देखिए टेन थीटा टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस ट्राइंगल में ए सी बी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगा ए सी बाय सी बी, ए सी बाय सी बी, ठीक है, क्लियर हो गया। टेन थीटा इक्वल टू होता है अपोजिट अपॉन बेस, तो अपोजिट कौन सी है, ए सी, बेस कौन सा है, सी बी, ठीक है, क्लियर है। तो इससे हमें बी कितना मिलेगा, बी इज इक्वल टू हो जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी, वी, ठीक है, बाय सी से बी कितना है, टी टू, तो ये हो गया टी टू, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट टी टू इक्वल्स टू हो जाएगा वी बाय बी, ठीक है, ये क्लियर हो गया। नाउ टोटल टाइम कितना लगा जर्नी में, यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा, टी, तो टी इक्वल्स टू क्या है, सम ऑफ टाइम, टी वन प्लस टी टू, ठीक है। देखिए यहां से यहां तक आने में टाइम लगा टी वन प्लस टी टू, टोटल टाइम टी मिल गया, ठीक है। नाउ व्हाट इज टी वन, देखिए टी वन कितना था, v बाय ए, तो पुट कर दीजिए वैल्यू यहां पर, डायरेक्ट कर देते हैं v बाय ए, प्लस टी टू क्या था, देखिए v बाय बी, ठीक है, क्लियर है। नाउ कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में से, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है v, यानी ये बचेगा 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी, ठीक है, ये हो गया टाइम t। तो दिस इंप्लाइज दैट टाइम t इक्वल्स टू हो जाएगा v, अब जरा देखिए एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी, ठीक है, यहां हो जाएगा बी प्लस ए, ठीक है। तो इससे आपको v की वैल्यू मिल जाएगी, v देखिए v इक्वल टू इस पूरे को इधर भेज दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा t इंटू, ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ए बी बाय ए प्लस बी, ये हो गया v, और v क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, क्लियर है। सो द मैक्सिमम वेलोसिटी इन दिस केस इज इक्वल टू हो जाएगा टी इंटू ए बी बाय ए प्लस बी, ठीक है, ये हो गया आपका मैक्सिमम वेलोसिटी। सेकेंड केस में आपको पता करना है डिस्टेंस, ठीक है, अगेन इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी की फॉर्म में ही डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाल देंगे। अब देखिए यहां ग्राफ कैसा बन रहा है, ट्रायंगलर, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इनटू बेस, अब बेस कितना है, देखिए ओ से बी, तो हो गया ओ बी, ठीक है, इनटू हाइट, हाइट कितना है, ए सी, तो हो जाएगा ए सी, ठीक है। नाउ व्हाट इज ओ बी, ओ बी को तो ये जाएगा हाफ, ओ से बी कितना है, देखिए ओ से बी टी है, स्मॉल टी, ठीक है, तो ये हो गया टी, है ना, इनटू हाइट कितनी है, एसी कितना है, वी, ठीक है, तो ये हो जाएगा वी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए वी की, तो
तो ये हो जाएगा हाफ इंटू टी की जगह क्या रखेंगे, टी रखेंगे, इंटू वी की जगह देखिए क्या आएगा, वी इक्वल टू क्या है, टी ए बी बाय ए प्लस बी, ये हो गया टी ए बी बाय ए प्लस बी, ठीक है, क्लियर है। तो टी इंटू टी क्या हो गया, टी स्क्वायर, यानी ये आपका आ जाएगा ए बी इंटू टी टी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड में आएगा आपका टू ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है, ये हो गया आपका टोटल डिस्टेंस, ठीक है, एस, एस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, है ना, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म करता है तो हम उसकी डिस्प्लेसमेंट, टाइम, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को कुछ सिंपल इक्वेशन से आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक है, तो हम यहां पर वही इक्वेशन को, उन्हीं इक्वेशंस को डिराइव करेंगे, ठीक है, लेट्स सी। तो कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी यू, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं जो कि कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, यू, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पे उसकी वेलोसिटी थी यू, ठीक है, और वो एक्सेलरेट कर रहा है ना, यानी धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। मान लीजिए कि टाइम टी इक्वल्स टू टी पर उसकी वेलोसिटी हो जाती है वी, ठीक है, यानी टी टाइम बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, वी। अब कंसिडर करिए कि इसका एक्सेलरेशन ए था और यहां से यहां तक इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ एस, ठीक है, क्लियर है। तो एक ऑब्जेक्ट जो कि यू वेलोसिटी से जा रहा है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करता है, कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट करता है और फाइनली टाइम टी बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, वी, है ना, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, एस, ठीक है। अब इसी का अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं तो वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, जहां आप देख सकते हैं टाइम टी इक्वल टू जीरो पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू, एंड टाइम टी आते आते वेलोसिटी कितनी हो गई, वी, ठीक है, क्लियर है। नाउ लेट दिस पॉइंट बी ओ ए बी, ठीक है, है ना, और यहां से हम टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जहां ये इसे टच कर रही है, उसे मान लेते हैं पॉइंट सी और इसे नाम दे देते हैं पॉइंट डी, ठीक है, क्लियर है। तो जरा देखिए ओ ए कितना है, यू, यानी यह देखिए ये एक रेक्टेंगल बन रहा है ओ ए सी डी। अब अगर ओ ए यू है, यू है, तो ये कितना हो जाएगा, सी डी भी कितना हो जाना चाहिए, यू, यानी यहां से यहां तक हो गया ये डिस्टेंस हो गया यू, ठीक है। अच्छा सी डी भी कितना हो जाएगा, तो देखिए ये अगर वी है तो ये भी कितना हो जाना चाहिए, वी, ये भी हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो बी से सी कितना हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस वी है, ये यू है, तो बी से सी कितना हो जाना चाहिए, वी माइनस यू, ठीक है ना। नाउ अगेन देखिए यहां ओ से डी की डिस्टेंस कितनी है, टी, टाइम कितना है, टी, तो अगर ये टाइम टी है तो यहां पर भी ये कितना हो जाना चाहिए, टी, क्लियर है। ये हो गया आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। नाउ लेट्स डिराइव द फर्स्ट रिलेशन, दैट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है, जरा देखिए। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि हमें इस ग्राफ में एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, वो होता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन ए के बराबर, है ना, एंड स्लोप इज गिवन बाय टेन थीटा, किससे दिया जाता है, टेन थीटा से, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए, ठीक है। अब जरा देखिए ये ग्राफ जो है वो टाइम एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, इसके साथ, इसके साथ जितना एंगल बनाएगा उतना इसके साथ बनाएगा, तो यहां ये एंगल हो जाएगा लेट्स से थीटा, ठीक है, तो देन टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए वो हो जाएगा अपोजिट अपॉन बेस, अपोजिट क्या है, बी सी, अपॉन बेस क्या है, ए सी, इज इक्वल टू क्या हो गया, ए, ठीक है। नाउ व्हाट इज बी सी, बी से सी कितना है, वो है वी माइनस यू डिवाइडेड बाय ए से सी कितना है, टी, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा ए के बराबर, है ना। नाउ सॉल्विंग दिस, देखिए टी को यहां ले जाइए तो वी माइनस यू इज इक्वल टू आ गया ए टी, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, है ना। नाउ ये माइनस वी यू को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, प्लस यू, यानी वी इक्वल टू हो जाएगा आपका यू प्लस ए टी, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ, दिस इज योर फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये आ गया आपका वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं सेकेंड रिलेशन। तो देखिए यहां पर ये हमें ग्राफ कौन सा दे रखा है, वेलोसिटी टाइम,
और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट यानी एस। ठीक है, यानी अगर आप इस ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, अब चलिए इस ग्राफ का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए एरिया अंडर ए बी निकालना है, ए से बी के नीचे जितना एरिया आ रहा है यानी ये पूरा एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, एरिया ऑफ दिस होल एरिया विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, एरिया रेक्टेंगल ओ ए सी डी। ठीक है, यानी इस ट्राइंगल के एरिया और इस रेक्टेंगल के एरिया को ऐड कर दें तो हमें इस पूरे, हमें ये पूरा एरिया मिल जाएगा। ठीक है, और वो पूरा एरिया क्या देगा हमें, डिस्प्लेसमेंट एस। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होता है, हाफ इंटू बेस, अब देखिए इस ट्राइंगल में बेस कितना है ए सी, इंटू हाइट, हाइट कितना है बी सी। ठीक है, प्लस अब रेक्टेंगल ओ ए सी डी, इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है ओ डी, इंटू ब्रेथ कितनी है सी डी या डी सी। ठीक है, ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट एस, है ना। चलिए तो ये हो जाएगा हाफ इंटू व्हाट इज ए सी, ए से सी कितना है टी, है ना, इंटू बी सी, बी से सी कितना है, देखिए बी से सी कितना है वी माइनस यू। ठीक है, प्लस ओडी कितना है ओ से डी टी, इंटू डी सी कितना है या सी डी कितना है यू। ठीक है, ये आ गया आपका एस, है ना, यानी ये देखिए, अब देखिए v माइनस यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मैं फर्स्ट इक्वेशन देखिए v माइनस यू किसके बराबर है, at के बराबर, यानी v माइनस यू की जगह आप क्या लिख सकते हैं, at लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ t इंटू ये हो जाएगा at प्लस यू टी इज इक्वल टू क्या आ गया s, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, s इक्वल टू क्या आया ut प्लस हाफ ए टी इंटू टी कितना आ गया टी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, तो ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, दैट इज आवर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, क्लियर है, चलिए अब निकालते हैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड रिलेशन इज डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है, तो अगेन देखिए वापस हम निकालते हैं एरिया ऑफ वीटी ग्राफ इक्वल्स टू वापस क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन अब हम एरिया निकाल लेंगे इस पूरे का, तो एरिया ऑफ, यहां ये देखिए एरिया ऑफ वीटी ग्राफ हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, इस पूरे ट्रेपीजियम का एरिया निकाल दीजिए। देखिए ओ ए से बी के बीच में क्या बन रहा है, ट्रेपीजियम बन रहा है ओ ए बी डी, ये पूरा ट्रेपीजियम बन रहा है यहां से ऐसे। ठीक है, क्लियर है, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, शॉर्ट में लिख देते हैं ओ ए बी डी। ठीक है, और जो हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट एस, है ना। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या बताया था, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो देखिए इस ट्रेपीजियम में पैरेलल साइड कौन सी है, एक तो ये है और दूसरी ये है, यानी हो जाएगा बी डी प्लस ओ ए। ठीक है, बी डी प्लस ओ ए या ए ओ, है ना, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू क्या होता है हाइट, तो हाइट कितना है ओडी। ठीक है, क्लियर है, वापस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये अब क्या मिलेगा हमें इससे, डिस्प्लेसमेंट एस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये हो गया हाफ इंटू व्हाट इज बी डी, बी से डी कितना है देखिए वी प्लस ओ ए, ओ से ए कितना है यू। ठीक है, इंटू ओडी, अब ओ से डी कितना है टाइम टी। ठीक है, इक्वल्स टू मिल गया आपको डिस्प्लेसमेंट एस, है ना, तो ये हो जाएगा देखिए वन बाय टू हाफ। अच्छा, यहां से हटा दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर आपने नोट किया है तो फर्स्ट इक्वेशन से हमें एक रिलेशन मिलता है v माइनस यू इक्वल्स टू होता है ए टी। ठीक है, तो इससे हमें रिलेशन टाइम का मिल जाएगा, t को हम क्या लिख सकते हैं, इसको यहां भेज दीजिए,
टी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका वी माइनस यू बाय ए। ठीक है, आप एक स्लाइड पीछे जाके देख सकते हैं इसे, है ना। तो देखिए ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू वी प्लस यू इंटू टी की जगह क्या डाल देंगे, देखिए वी माइनस यू बाय ए, वी माइनस यू बाय ए इक्वल्स टू क्या आ गया एस, है ना। नाउ देखिए ये हो गया वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या रिलेशन होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे ए है और क्या है टू, तो ये हो जाएगा टू ए इज इक्वल टू क्या आ गया एस, है ना। अब इस टू ए को इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस। ठीक है, ये आ गया आपका वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, है ना। दैट इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, क्लियर हुआ, थर्ड इक्वेशन, थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। तो ये हो गई आपकी तीनों इक्वेशंस, है ना। नाउ इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस इक्वेशंस। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।